पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू जीरो अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ मूव्स 25 मीटर स्ट्रेट। कोई एक पार्टिकल है जो एक्स इक्वल्स टू जीरो से मूव करता है और 25 मीटर स्ट्रेट मूव करता है, फिर वहां पे रुकता है, देन टर्न्स अराउंड एंड मूव्स 10 मीटर बैक। तो 25 से 10 मीटर बैक होता है 25 पे, तो फाइनली यहां पे आता है, फाइनली स्टॉप्स 15 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। दिख रहा है ये 15 मीटर है। आगे क्या बोला है, टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 10 सेकेंड। तो टाइम मुझे लगा है 10 सेकेंड। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी? सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। चलिए, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? सबसे पहले जीरो से गया 25, तो ये जो ऊपर वाला डिस्टेंस है ये है 25। फिर 25 से आया 15, तो ये 25, ये 15, तो बचा हुआ कितना हो गया 10। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 25 प्लस 10 विच इज 35। टाइम लगा 10 सेकेंड, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 3.5 मीटर पर सेकेंड। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या करूंगा कि इनिशियल पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा फाइनल पॉइंट तक। ये मेरा इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, और ये राइट हैंड साइड पे है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट कितना है 15, और टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी आएगी 1.5 मीटर पर सेकेंड और एवरेज स्पीड आएगी 3.5 मीटर पर सेकेंड।